एक मूवी मैं देखने गया था जिसका मैंने कोई ट्रेलर नहीं देखा था, और ये एक तरीके से मेरे लिए सरप्राइज़ होने वाली थी कि भैया इसका टिकट खरीदते हैं और एक सरप्राइज़ होगा कि इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा, बिना कोई उम्मीद कि मैं इस मूवी को देखने गया था। हाँ, मूवी देखे हुए काफ़ी टाइम हो गया, रिव्यू इसका लेट आ रहा है, लेकिन जब इस मूवी को देख के मैं निकला था उसके बारे में मैंने लिख लिया था कि यार इस मूवी में मुझे ये चीज़ें लगी, या पूरी की पूरी जो 2.5 घंटे की मूवी है जिस तरीके से मुझे टॉर्चर किया, सारी चीज़ें जो मैं ऑलरेडी लिख चुका था। अब लगा जिस दिन मुझे टाइम लगेगा उस दिन इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, तो जिस तरीके से अब टाइम मिल रहा है और इसके ऊपर अब वीडियो बना रहे हैं, तो आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा सत्य प्रेम की कथा करके ये जो मूवी है वो लगभग 2.5 घंटे की है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखो इस वीडियो में थोड़े बहुत स्पॉइलर हो सकते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो अपने रिस्क पर देखना। देखो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों को बता दिया जाए कि हाँ भाई इसके अंदर मैं आपको मूवी की थोड़ी बहुत चीज़ें बता दूंगा, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा, ताकि आप लोगों का भाई ऐसा ना हो कि आपका इंटरेस्ट खराब हो जाए, आपने मुझे पहले वार्निंग क्यों नहीं दी, ऐसी चीज़ें मैं नहीं करना चाहता हूँ। खैर अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले कहानी की बात करते हैं, इस मूवी में कहानी क्या देखने को मिलने वाली है। तो सत्य प्रेम जिसको प्ले किया गया है कार्तिक आर्यन के द्वारा, अब इसको शॉर्ट में सत्तू कहा जा रहा है, अब सत्तू को एक कथा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। अब बॉलीवुड की हमेशा से ही आप कोई भी मूवी उठा के देख लीजिए तो उसमें जैसे आप लोगों को मतलब जैसे पोर्ट्रेट किया गया है कि एक हीरो को एक हीरोइन से प्यार कैसे हो जा रहा है, बस पहली ही नज़र में और कुछ नहीं। अब इस मूवी में आप पूरी मूवी आप ध्यान से देखिएगा, आपको ये तक समझ नहीं आएगा कि सत्तू को कथा से किस बात पे प्यार हुआ, क्या उसके नाचने पे उसका प्यार हो गया, क्या उसका मुंह देख के उसको उसका प्यार हो गया। बस यही होती है प्यार की डेफिनेशन जो बॉलीवुड ने आज की जनरेशन को सिखा रखा है। आएंगे बहुत सारे टॉपिक हैं इसके अंदर हमें बात करने हैं, फिर इसको साइड में डालते हुए चलते हैं कि जब इसको प्यार हो जाता है तो अपनी फैमिली में ये क्या चाहता है कि इसकी शादी जो है वो किसी से भी करवा दी जाए, क्योंकि ये शादी करने के लिए भूखा मारा जा रहा है। मतलब प्यार सत्तू को कथा से, शादी वो किसी भी लड़की से करने को तैयार है, बहुत मतलब ये यूनिक प्यार है। अब मेकर्स को देखा नहीं जा रहा कि भैया सत्तू और जो है वो कथा अलग हो जाए, इसलिए इन दोनों को मिला दिया जाता है। अब कथा की एक कहानी अलग दिखाई जाती है, वो देखिए पूरी आधी मूवी खत्म होने के बाद मैं हैरान था कि यार आधी मूवी में मैंने क्या देखा, कुछ भी ऐसा ढंग का सीन जो मुझे इस मूवी में बनाए रखे, बस वो मूवी के रुपए दिए थे इसलिए मूवी देखनी मेरे लिए एक कंपलसरी हो गई थी, यार कम से कम वो रुपए तो ख़राब ना जाए। तो आधी मूवी ख़त्म होने के बाद इंटरवल होने तक भी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि यार इसमें ट्विस्ट क्या आने वाला है, और ट्विस्ट आता भी है जब जो सत्तू को ये पता चलता है कि भाई साहब जो कथा है उसकी जो वाइफ है उसकी उसका रेप जो है उसके बॉयफ्रेंड ने कर दिया। अब यहाँ पर जिस तरीके की चीज़ें हमें दिखाई जाती है कि देखो एक लड़की ने ना कर दिया तो उसका मतलब ना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके पीछे, एक NCRB की रिपोर्ट दिखा देंगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट हमारे सामने रख देंगे हर बार, ये NCRB तो भारत की जनता तो बेवकूफ़ है, वो NCRB के नाम देखेगी, अरे यार ये तो खुद गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, इसमें ये मूवी क्या देख रहे हैं, मूवी क्या झूठी बोल रहे होंगे, तो अच्छा एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, बस रेप नाम का एक वर्ड डाल दो और दिखा दो लोगों को, समझ लो वो बेवकूफ़ हैं और वो मान जाएंगे। बहुत ज़्यादा एक सीरियस इशू पे बनी हुई एक मूवी है, ये जो बनाने वाले जो लोग हैं जो मेकर्स हैं वो बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर हैं, वो जनता की भलाई चाहते हैं, वो देश की भलाई चाहते हैं, वो समाज की भलाई चाहते हैं, वो लोगों को एक सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, क्राइम जो देश के अंदर हो रहा है उसको बाहर लाना चाहते हैं, कैसे अत्याचार लड़कियों पर हो रहा है या औरतों पर हो रहा है उसको बाहर लाना चाह रहे हैं, ये कितने बड़े सोशल रिफॉर्मर हैं। ये बॉलीवुड वालों का दोगला बनी है इस मूवी में जो हमें देखने को मिले। अब देखिए यार ये जो बॉलीवुड वाले हैं ना, इसमें आप देखिए ये जो लिव इन का रिलेशन है या फिर वन नाइट स्टैंड का जो कॉन्सेप्ट ये लेके आते हैं, या जिस तरीके का पोर्ट्रेट करते हैं कि जिस भी लड़की ने अगर शॉर्ट कपड़े नहीं पहने हैं, वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनी है, उसने अपने माँ बाप के साथ उसने बदतमीजी से बात नहीं की है या वो आज तक वर्जन है, तो भाई साहब वो लड़की है ही नहीं, मतलब वो कंसीडर तक नहीं करेंगे, वो एक इंडिपेंडेंट लड़की, भले ही वो अच्छा कमा रही हो, अपने पैरों पे खड़ी हो, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की हो, अपनी फैमिली को अच्छे से संभाल रही हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से संभाल रही हो, वो अनएजुकेटेड लड़की है, वो एक तरीके से इलिटरेट पर्सन है कि भैया उसको यही नहीं पता है कि भैया सेक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर उसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ये बॉलीवुड की डेफिनेशन है अगर वुमन एम्पावरमेंट करनी है तो, ये खुद को नहीं सुधारेंगे कभी भी, लेकिन हाँ समाज में आ जाएंगे कमियाँ निकालने, देखो यार ये कैसे यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राइम हो रहा है औरतों के प्रति, NCRB की रिपोर्ट हमें देखो, कभी उसको बकायदा ध्यान से पढ़ो कि रीज़न क्या है, इतने स्ट्रिक्ट कानून होने के बावजूद भी कैसे हमारे देश में ये सब चीज़ें हो रही हैं, इतने सख्त सख्त कानून भी ला दिए हैं फिर भी लोगों के अंदर भय नहीं रहा कि जब वो रेप कर देते हैं उनके ऊपर, मतलब
कैसा कानून लगेगा, किस तरीके की किस हद तक उनके ऊपर जो वो कार्रवाई की जाएगी उसका थोड़ा सा भी भय नहीं होता, बावजूद उसके वो रेप करते जा रहे हैं। इसके ऊपर सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या कमी है उस चीज़ के अंदर, लेकिन इनके पास सॉल्यूशन नहीं होता है। हाँ, कोई भी चीज़ होती है उसका ढिंडोरा पिटना आता है बॉलीवुड वालों को। आप देखिए, इनकी कोई भी मूवी उठाकर देख लीजिए, इतना इन्होंने घटिया प्रोपोगेंडा फैलाया है इस रेप के नाम के ऊपर, वो एसिड अटैक के ऊपर दीपिका पाडुकोण ने जिस तरीके की वो मूवी हमारे सामने लेके आए थे, इतनी घटिया प्रोपोगेंडा तरीके से वो मूवी फैलाते। कोई भी इनको सोशल रिफॉर्म नहीं करना है, कोई भी आपको अच्छा मैसेज नहीं देना है, सिर्फ समाज में गंदगी फैलानी है, छोटे बच्चों में सेक्स एजुकेशन के नाम पर सेक्स को बढ़ावा देना है, ये कभी नहीं बताएंगे आप अपने करियर में आगे बढ़िए, ये कभी नहीं बताएंगे अपने माँ बाप की इज्जत करिए, कभी नहीं बताएंगे आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपने संस्कृति के अकॉर्डिंग जो है उनका पालन करिए, कभी नहीं बताएंगे। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना है कि कैसे एक पर्टिकुलर जो धर्म है वो कितना खराब है, कैसे देश के अंदर जो मेजोरिटी में जो लोग हैं वो कैसे खराब होते जा रहे हैं, वो माइनॉरिटी को कैसे तंग कर रहे हैं, ये सब चीज़ें इन्हीं का प्रोपोगेंडा है। और जिन्होंने रेप नाम का जो कॉन्सेप्ट दिखाया है, पूरे 2.5 घंटे आप बैठ लीजिए, उस 2.5 घंटे के 20 मिनट के लास्ट में जाकर आपको उस 20 मिनट में ये कॉन्सेप्ट होना स्टार्ट होता है कि भैया क्या हुआ था उस कथा के साथ, क्यों वो इतना ज़्यादा है वो डिप्रेशन में चली गई है, ये सब लास्ट के 20 मिनट में देखने को मिलेगा। उस 20 मिनट के अंदर भी ये गाने घुसेड़ देंगे उसके अंदर, और उस 20 मिनट में आप 5 मिनट ले लीजिए उस सीरियस टॉपिक पर बात की गई होगी, और उसमें कोई भी ऐसा आपको दिखाया नहीं जाएगा कि हाँ ये कितना घिनौना काम है, कितना सीरियस काम है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाएगा, बस बता देगा कि हाँ देखिए उसके बॉयफ्रेंड ने रेप कर दिया। अब रेप कर दिया, अरे कोई लड़की के ऊपर इसलिए कमेंट नहीं कर देगा क्योंकि उसने छोटे कपड़े पहने हैं, कोई लड़की पे इसलिए कमेंट नहीं कर देगा क्योंकि वो दारू पी रही है, वो सिगरेट पी रही है, भाई वो उसकी इच्छा है वो करे, लेकिन हाँ उसने ना बोल दिया तो ना बोल दिया। ये है इनका माइंडसेट, ये इस चीज़ को बढ़ावा देते हुए मिल जाएंगे आप लोगों को, ये कभी भी एक लड़की को सही रास्ते पे चलते हुए नहीं दिखाएंगे कि हाँ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप अपने परिवार के साथ रहिए, आप मतलब वो सब चीज़ें ये कभी नहीं दिखाएंगे। इंडिपेंडेंट के नाम पे नंगा होना दिखाते हैं ये लोग। और एक और जो चीज़ इस मूवी में हमें देखने को मिलती है वो है इसका परिवार, जो सत्तू का परिवार हमें देखने को मिल रहा है, वो जिस तरीके से सत्तू से बात करता है, कमाल की बात है, पूरे भारत में ऐसा परिवार कहाँ मिल जाएगा, सिवाय इस बॉलीवुड की कचरा इंडस्ट्री को छोड़ देना, इन अनएजुकेटेड इलिटरेट पर्सन को अगर हम छोड़ देते हैं तो मुझे बता दीजिए कहाँ पर ऐसा परिवार मिल जाएगा जो अपने बच्चे के साथ इस तरीके से बात कर रहा है, इस तरीके से कह रहा है कि यार तू वर्जिन क्यों है, तू किसी और के साथ कर ले, इसके साथ हो जाएगा, ये सब चीज़ें कौन कर रहा है, अपने बेटे के साथ ऐसी बातें कौन करता है, कौन सा माँ बाप कर रहा है, मुझे ये बता दीजिए, मुझे समझ नहीं आता ये कहाँ से ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। बकायदा एक चीज़ जो मूवी में मुझे अच्छी लगी वो ये कि सत्तू बेरोजगार है, उसका बाप भी बेरोजगार है, दोनों ने ज़िंदगी में कुछ घंटा नहीं उखाड़ा और इसलिए उनकी वैल्यू तक नहीं है, उनका जो सत्तू की बहन है वो घर चला रही है और इसलिए सत्तू और उसके बाप की इज्जत नहीं है घर के अंदर, ये वाकई बात है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा यार तुम किस तरीके से जी रहे हो और तुम प्यार का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हो, मैं प्यार कर, अरे तुमसे तुम्हारा पेट तक नहीं पल रहा है, तुम प्यार के नाम पे पता नहीं क्या ही कर लोगे यार। मुझे एक जन्नत मूवी का एक डायलॉग बड़ा अच्छा लगता है कि जब कर्जा या फिर जो भी महंगाई जो दरवाजे से अंदर आती है तो प्यार जो वो खिड़की से चला जाता है, ये मुझे हमेशा बहुत अच्छा डायलॉग लगा है और वो वाकई में इस मूवी में लागू होना चाहिए। यार तुम एक बेरोजगार आदमी को प्यार करना सिखा रहे हो, कम से कम उसको पहले अपने करियर पर फोकस करना तो सिखा दो, किस तरीके की मूवीज़ बनाते जा रहे हो यार, पता नहीं कब सुधार आएगा। अभी हाल ही फिलहाल में कुछ मूवीज़ मैंने देखी हैं, एक अफवाह करके इतनी घटिया प्रोपोगेंडेड मूवी देखी है मैंने, उसका भी हम जिक्र करेंगे, और भी कुछ मूवीज़ देखी हैं। बॉलीवुड का सच कहूँ ना, एक तरीके से अपने ही इनके लोगों ने ना उल्टे दिल लगा रखे हैं कि कैसे घटिया से घटिया चीज़ें हैं वो प्रेजेंट करनी है। बाकी मूवी में मुझे कोई गाने कुछ खास पसंद नहीं आए, हाँ कॉमेडी सीन है कुछ, वो थोड़े बहुत मुझे पसंद आए, बाकी सोशल रिफॉर्म के नाम पे इन्होंने कचरा ही फैलाया, और कोई सोशल रिफॉर्म इसमें है नहीं, ये दोगले लोग हैं। #MeToo मूवमेंट जो है वो इनके इंडस्ट्री से स्टार्ट हुआ था, कितने बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है उनको लपेटे में लिया गया था, फिर भी कुछ नहीं उखड़ा इन लोगों से, कुछ भी उनके ऊपर आवाज़ नहीं उठी, लेकिन हाँ समाज में कमियाँ निकालने के तो भाग के चले आ जाएंगे, खुद के गिरेबान में झांक कर नहीं देखेंगे कि कितने बड़े ये जो लोग हैं पापी हैं। खैर मेरी तरफ से तो इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 2 out of 10। आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि इस जैसी कचरा मूवी को आप जाके देखें। जिन्होंने देख लिए तो अपने व्यू पॉइंट हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में ओपन रहता है, उसमें लिख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।